Crowded cities, sleepless people, endless noises. Let me tell you a story of a land where you can escape. A place where you get calmness, you can feel the nature in you, this is a story of four friends who are out on a trek. In search of peace and harmony. A trek which is not less than a heaven. अभी हम पहुंचे हैं धर्मकोट और यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेकिंग ट्यून की तरफ। सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे गल्लू टेम्पल, वो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2 से 3 किलोमीटर। फिर वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेकिंग, जहाँ से हमने अपना लॉज बुक किया है। द पर्सन इज अबाउट टू कम हियर, सो ही इज गोना गाइड अस कि कैसे जाना है और क्या। और यहाँ कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप अगर ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, टी वगैरह आप पी सकते हैं। मौसम जो भी यहाँ का बहुत ही प्लेजेंट हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बट इतनी नहीं है कि हम भीगे हो जाएंगे। एंड यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर भी है। ये रोड है जो गल्लू टेम्पल की तरफ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर है यहाँ से। तो गाड़ी तो हम यहीं पार्क कर देंगे, फिर हम देखेंगे अगर हमें कुछ टैक्सी मिलता है यहाँ से वहां तक, या वॉक कर सकते हैं तो वॉक कर लेंगे। यहाँ से गल्लू जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक इस साइड से अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको ये वाला वे लेना है, और अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो आपको इस तरफ से जाना पड़ेगा। और वॉक करके जा रहे हैं तो ये वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो हम अभी शायद गाड़ी ही करके जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी। फिर वहां से हम अपनी ट्रैकिंग ट्यून के लिए स्टार्ट करेंगे। With a bumpy start, we are slowly approaching towards our destination. चुके हैं गल्लू देवी टेम्पल और इस तरफ से हमें ट्रूंड की ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। आप देखें यहाँ थोड़े बहुत शॉप्स हैं जहाँ से अगर आपको मंचीज खरीदने हैं ऑन द वे खाने के लिए, या पानी या कोल्ड ड्रिंक, तो आप ले सकते हैं। एंड दिस इज द चेक पोस्ट जो ये वाइट कलर का बना हुआ है। यहाँ पे सारी चेकिंग होगी, आईडी प्रूफ आप अपने कैरी करें, जो भी आपने रूम वगैरह लॉज ऊपर बुक किया होगा सारी चेकिंग यहाँ होती है। ये हमारे ट्रैकिंग का रास्ता है और हम सुपर एक्साइटेड है। चेक पोस्ट पे खड़े हैं, यहाँ सारी आईडी प्रूफ वगैरह आप लेकर आए तो यहाँ दिखानी पड़ती है। फिर यहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग अंदर हैं।
एक क्विक अपडेट मैं आपको दे दूं, जो अभी हमें चेक पोस्ट से पता चला है, जो भी आप चिप्स के, नमकीन के, मंचीज के पैकेट्स, मतलब जो लेकर जाएंगे अपने साथ खाने के लिए, उनके जो खाली पैकेट्स हैं वो आप अपने साथ प्लीज अपने बैग में डाल के वापस ले आए, बिकॉज पहाड़ों को गंदा प्लीज ना करें। ये इसलिए है कि वहां बहुत लोग कहीं होते हैं, अगर छोड़ आते हैं, फेंक आते हैं, और इससे पहाड़ बहुत गंदे हो जाते हैं। हम सब यही फॉलो करते हैं कि पानी भी पीते हैं तो या तो डस्टबिन में डालते हैं या अपने बैग में रख लेते हैं, उसको वापस आकर ही फेंकते हैं। सो इट्स समथिंग गुड। और ये जरा नोट कर लें, जो देख लें और उस हिसाब से अपना प्लान करें। Some journeys are unavoidable. It becomes part of our life. And some journeys feel like destiny. I feel like a mountain bird. I can feel the air in mountain. ये पीछे ये नजारा देखें, ये पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं यहाँ पर, और हमें बिल्कुल ही ऐसे हम क्लाउड्स के बीच में से होते हुए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी ड्रिफ्टिंग हो रही है। कैमरे से शायद समझ नहीं आएगा, पर वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सब जगह बादल बादल बादल। The feeling when clouds are approaching us. Wonderful. और अमित, तुम्हें कैसा लग रहा है ये ट्रैक? ट्रैक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर ट्रैक है। ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है लेकिन बारिश हो रही है। ऑब्वियसली मॉनसून है, बारिश तो होगी, लेकिन बहुत प्यारा ट्रैक है। थोड़ी तैयारी चाहिए, थोड़ी सी तैयारी चाहिए कि आप सामान सही से लाएं, अम्ब्रेला वगैरह जरूर कैरी करें। ट्रैक बहुत अच्छा है और व्यू बहुत बढ़िया है। मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ, व्यू यहाँ से बहुत बढ़िया है, क्योंकि थोड़ी बहुत हाइट पे आ चुके हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा है। धुंध हो रखी है, पूरे बादलों के बीच में से हम लोग चल रहे हैं इस टाइम। पता अक्सर क्या होता है, हम डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर उस चीज को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ख्याल से हमें रास्ते को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक बहुत खूबसूरत है। तो पता नहीं त्रिवुण ऊपर जाके क्या होगा वो पता नहीं, बट रास्ता बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वीडियो जितना बनाते चले, इस ट्रैक को एंजॉय करते हुए चले, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, ज़रूरी ये है कि हम रास्ते को एंजॉय करें, ना कि डेस्टिनेशन को। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है, थोड़ा सा रेस्ट, फिर चलना शुरू करेंगे। और रॉबिन कैसा लग रहा है? रॉबिन तो मुक्त हो गया पहाड़ों में आके, बिल्कुल मौन, एकदम शांति, बता ही नहीं पा रहा है कि क्या लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। शांति बहुत है, शांति बहुत है, बहुत अच्छा। रॉबिन ये दूसरा ट्रैक है तेरा, तूने पहले वो भी किया, कैसा लग रहा है? छोटा ट्रैक है पर कैसा है? रॉबिन ने खीर गंगा का किया हुआ है ट्रैक, वो ज्यादा मुश्किल है। ये ग्रीन ज्यादा है और सिंपल है थोड़ा सा उससे, मतलब शुरुआती ट्रैक के लिए सही है। हाँ, शुरुआती ट्रैक के लिए बढ़िया है, मतलब इनिशिएट कर सकते। जैसे मेरा और विदिशा का ट्रैक पहला ट्रैक है, मतलब इसमें प्रिया का भी, प्रिया पहला ट्रैक है, ये मेरा पहला ट्रैक।
मेरा भी तो पहला ट्रैक हाँ, मतलब ये रॉबिन उस वाले ट्रैक के लिए आपको थोड़ा सा और हिम्मत चाहिए। चलो इसके बाद उम्मीद करते हैं हिम्मत बनेगी तैयारी चीज। अभी हम ट्रैकिंग कर ही रहे थे तो जैसे मैंने अभी बताया कि रॉबिन खीरगंगा का ट्रैक कर आए हैं, तो उन्होंने कुछ क्विक टिप्स दी कि ट्रैकिंग करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रॉबिन बताएं आप हमारे व्यूअर्स को भी कि वो क्या चीजें ध्यान रखे जब ट्रैकिंग। सो वॉच माई स्टेप्स फर्स्ट। सो सबसे पहले ट्रैक में ज्यादातर लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि वो अपने जो स्टेप्स हैं, एक तो बड़े स्टेप्स रखने की कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे, और टांगे फिला के चलने की कोशिश करते हैं। इसके चक्कर में वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, और ट्रैक मतलब आपका वहां तक आप पहुंचते आप खत्म हो जाते हो, ठीक है। सो उसकी वजह हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले ये पैर ज्वाइंट रखने हैं, पैर एड़ी एड़ी पहले रखनी है, हमने पंजा पहले नहीं रखना, एड़ी पहले रखनी है, और जितने छोटे स्टेप हो सकते हैं छोटे स्टेप हमने रखने हैं। सो इस तरीके से जो काम आप चार स्टेप्स में करने वाले थे वो आप सात स्टेप में करो, छोटे स्टेप रखो। सो बस दिस इज द की, और थोड़ा सा ध्यान से देख के चलो, हाथ में कुछ एक डंडी वगैरह रहेगी तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो इसे ऐसे हम कर सकते हैं। अब ट्रैकिंग करते करते हम पहुंचे हैं मैजिक व्यू कैफे, छोटा सा कैफे है, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट चाय शॉप सिंस 1984, काफी पुराना है। तो अब हम यहाँ रुके हैं मैगी खाने के लिए, प्रिया ने तो खाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। सो पहाड़ का व्यू और मैगी और हमारा एक नया दोस्त, उसको फोटो नहीं दिखानी, वीडियो नहीं दिखानी है। और रॉबिन ध्यान में चले गए। बारिश बहुत तेज हो गई थी तो हमने शॉप से दो रेनकोट ले लिए हैं, और हम पता नहीं ऐसे भूत सफेद वाले भूत लग रहे हैं। बाकी दोनों लड़के छाते से काम चलाएंगे ऐसे। और इसका प्राइस है 150 रुपया एक का। पहुंच गए, आई थिंक इधर ही कोई लॉज है, ये नहीं पता ये है कि नहीं कि और आगे जाना है, बट उम्मीद की थोड़ी सी किरण दिखती है। मतलब हम अभी इतने टॉप पे हैं पहाड़ के, बादल का लेवल देखिए, ये सामने बादल पूरे नीचे बादल है और हम इतने टॉप पे। Yes, the boundaries of heaven is here. I believe in mountains the way people believe in heaven. Up here, there are no more cities. Only mountains. Find yourself somewhere in these mountains where you feel most alive.
रात को डिनर करने के बाद हम सीधा सोने चले गए और रात भर जो बारिश हुई है, डर ही लग रहा था कि बादल हमारे सिर पे ही ना फट जाए। बहुत ही बारिश हो रही थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ वॉशरूम फैसिलिटी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो खुले में ही शौच से यहाँ काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत हुई हमें, बट अलग एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। ट्रैकिंग में तो ये सब होता ही है, मेंटली बंदे को प्रिपेयर ही होना चाहिए कि आपको ये सब डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बाकी एक चीज़ है कि हमें ये कमिट था कि हमें दो रूम्स यहाँ मिलेंगे लॉज में, जो नहीं मिले, हमें एक ही मिला। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपने साथ थोड़ा बहुत खाने का ला सकें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली वो लोग नीचे से यहाँ लेकर आते हैं तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। तो चले अब देखते हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, हम सब का जो जो है, सब बताऊँगी आगे। चलिए बाय। बादल देखे अभी किस तरीके से ऊपर आ रहे हैं, और यही बादल जाएंगे ऊपर और वर्षा हो जाएगी तेजी। दिशा, क्या लगता है जो हमारा इस वीडियो का कैप्शन है कि इज इट वर्थ टू कम इन मॉनसून है या नहीं, ये बताओ कैसा लग रहा है? गाइस, कल रात की बारिश देख के मुझे लगा कि ज्यादा बेटर यही रहेगा, आप लोग सुबह निकलो, मॉनसून में स्पेशली सुबह चढ़ाई स्टार्ट करो, एक दो घंटा घूमो, क्योंकि सीनिक ब्यूटी ही है। एक्स्ट्रा कोई ऐसा मुझे नहीं भी यही लगता है कि अगर मान लो आप लोग, मतलब मेरे हिसाब से अगर मॉनसून स्पेशली जून जुलाई अगस्त वाला जो टाइम है उसमें कोशिश करें कि आप 7 बजे निकल जाए। 4 से 5 घंटे का ट्रैक है, 12 बजे आप पहुंच जाएंगे, 1-2 घंटे यहाँ पे रुक के लंच करके 2 घंटे रुकने के बाद आप वापस जा सकते हैं। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है। रीजन मॉनसून में एक तो ये है, रीजन यहाँ पे है कि मैंने एक चीज देखा जो हम लोगों के साथ एक वो हुआ कि हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कराया, जब ऊपर आए तो हमें पता चला कि हम लोगों ने 4 गुना ज्यादा पैसे दिए नीचे ये लॉज बुक कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लॉज में चारों को रुकना पड़ा, जो कि नेवरदलेस ठीक है। बट मैं बस हम लोगों के एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि वो आपको ठग लेते हैं और स्पेशली वो सबसे पहले पैसे ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनका रवैया सही नहीं लगा हमें। और क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो फोन में बात भी नहीं हो पाती और वो लोग नीचे रह जाते हैं, ऊपर दूसरे बंदे होते हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं नीचे और करते हैं अपडेट आपको। नाउ हम यहाँ दोबारा गल्लू देवी टेम्पल के यहाँ पहुँच गए हैं और हमारा ट्रेन का ट्रैक हुआ खत्म। और अच्छा ट्रैक था, अच्छा एक्सपीरियंस था, सबने एंजॉय किया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई बारिश की वजह से, पर ठीक है, वी एंजॉयड। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और एज यूजुअल हमारा चैनल सब्सक्राइब करना।